नमस्कार सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम भाग करना सीखेंगे। 36 को हम 2 से भाग करेंगे और 7492 को हम 2 से भाग करेंगे। तो बिल्कुल जीरो लेवल से समझाया जाएगा। जिन बच्चों को भाग करना नहीं आता वो वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। तो चलो हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा भाई हम कहाँ गलती करते हैं और भाग हम कैसे कर सकते हैं। तो 36 को सबसे पहले हम 36 को 2 से भाग करेंगे और 7492 को हम 2 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 36। 36 को हम 2 से भाग करेंगे। 36 को हम 2 से भाग करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें एक अंक देखते हैं। एक अंक लेंगे इसके अंदर। एक अंक हमारे पास इसमें कितना है? 3 है। भाग करने का नियम क्या कहलाता है भाई? या तो 2 की टेबल में 3 होना चाहिए या इससे हमें छोटी संख्या नीचे डालनी होती है। तो हम 2 की टेबल रखेंगे इसके अंदर। 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12, 2 सत्ते 14, 2 आठे 16, 2 निम 18 और 2 दाए 20। तो देखेंगे हम इसमें 2 की टेबल में 3 नहीं है। 2 की टेबल में 3 नहीं है तो अगर बड़ी संख्या लिखेंगे 2 एकम 2, 2 दुनी 4, तो 4 बड़ी संख्या हो जाएगी। तो हम इसमें 2 डालेंगे इसके नीचे, 2 लिखेंगे, इसमें माइनस करेंगे। हमने टेबल कहाँ लग पड़ी? 1 लग, क्योंकि 2 एकम 2, तो हम उस 1 को यहाँ लिख देंगे। तो आप यहाँ लिखो। अब इसमें अगर इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास इसमें 1 बचता है। कितना बचता है? 1 बचता है। अब ऊपर की संख्या को हम नीचे उतारेंगे। अब संख्या हमारे पास हो चुकी है 16। कितनी हो चुकी है? 16 हो चुकी है। अब 2 की टेबल में हम देखेंगे 16 होते कि नहीं होते। तो 2 की टेबल में 16 यहाँ है, कहाँ लग पड़ा पढ़ना पड़ेगा हमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमें पारा 8 लग पड़ना पड़ेगा। इसके नीचे हम 16 लिखेंगे, माइनस करते हैं, हमारे पास यहाँ 0 बचती है। तो 8 लग पारा पड़ा, उस 8 को हम यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? भागफल। क्या आएगा? भागफल। तो इस प्रकार हम अच्छी तरह से भाग करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, देखेंगे भाई जो जिस संख्या को हम भाग कर रहे हैं। सबसे पहले हम हमारे पास इसमें एक अंक था। अगर एक अंक जैसे इसमें 3 है, तो अगर 3 नहीं है तो उसे हम छोटी संख्या लिखते हैं। तो इसी तरह हम इस थोड़ा बड़ा भाग करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा। तो हमारे पास संख्या है 7492 को हम 2 से भाग करेंगे। तो 2 के टेबल में सबसे पहले हम इसमें एक अंक उठाते हैं। एक अंक हमारे पास इसमें कितना है? 7 है। तो 2 के टेबल में 7 नहीं होते हैं तो उसे छोटी संख्या लिखेंगे। दो छोटी संख्या हमारे पास इसमें कितनी है? 6। तो पारा हमें कहां तक लगाना पड़ेगा? पारा हमें 1, 2, 3 लग। तो हम यहाँ इसमें 3 लिखेंगे या हम 6 लिखेंगे, माइनस करेंगे, हमारे पास इसमें यहाँ 1 बचेगा। ऊपर की संख्या को हम नीचे उतारते हैं। अब हमारे पास संख्या हो चुकी है 14। अब 2 के टेबल में देखेंगे हम 14 उठते हैं यहाँ तक, लेकिन कहाँ लग पारा पड़ना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 2 के टेबल हम 7 लग पड़ते हैं तो 14 आते हैं। तो हम यहाँ 7, 2 सत्ते 14, इसे माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ क्या बचेगी? 0। ऊपर की संख्या को हम नीचे उतारेंगे तो हमारे पास संख्या हो चुकी है 9। तो 2 के टेबल में 9, 10 होते हैं तो 10 हमारे पास क्या है? बड़ी संख्या हो जाएगी। तो उसे छोटी संख्या डालेंगे हम 8। कहाँ पे पड़ा पड़ेंगे हम? 1, 2, 3, 4। तो 4 लग हमें पड़ा इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 8 इसमें। इसको इसको माइनस करते तो हमारे पास इसमें 1 बचता है। ऊपर किस 2 को हम नीचे उतारेंगे। अब संख्या हो चुकी है हमारे पास 12। अब ये देखेंगे हम 2 के टेबल में 12 होते हैं तो 2 के टेबल में 12 हैं तो, लेकिन पारा का अलग पढ़ना पड़ेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 2 के टेबल हम 6 अलग पढ़ते हैं तो 12 होते हैं। तो 6 हम यहाँ लगाएंगे इसके अंदर और यहाँ लिखेंगे हम 12। तो 12 में से 12 माइनस करेंगे हम, हमारे पास यहाँ 0 बचेगी। तो इस 6 को हम यहाँ अच्छी तरह से लिख देंगे हम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? भागफल। इसे हम भागफल कहते हैं। तो इस प्रकार हम जीरो लेवल से भाग करना अच्छी तरह से सीख सकते हैं। अगर किसी भी नंबर को अगर हम भाग करते हैं तो ऐसे भाग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।